यहाँ पे जी हमने एक बॉल ले लिया, उसमें सॉल्ट और सॉस मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया। सो जी अब जो है हम बनाते हैं, रेड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे गाइस आप लोगों को न्यू फ्रेम जी बन के आ चुका है और ये न्यू वाला है, नूडल्स आर रेडी, नूडल्स कम। इसके सॉल्ट के इसकी जगह आप लोग और भी एक्स्ट्रा भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्लैक पेपर। ये मेरे आई साइड से ग्लासेस है, ये ग्लासेस मेरा घूम हो गया था। It's me, Ranjit Bar. So welcome back to the new vlog. So friends, how are you all? So I hope you all are well. So before starting video, make sure to subscribe, like, comment. So let's just start the video. So Jumma Mubarak all of you. Din start ho chuka hai. Nashta wagera karte hain. Then is baat ji padhte hain namaz. Fir apni routine wahi padhai wagera continue karte hain. So can I say that before starting video, make sure to subscribe, like, comment. So let's get start the video. I'm not well, यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पेपर भी है फिजिक्स का, एंड आई होप सो कि रात तक मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। खैर है कोई नहीं, आई विल मैनेज। अभी फ़िलहाल की तो बहुत तबीयत डेड लगी हुई है, मेडिसिन वगैरह लेते हैं थोड़ी एनर्जी वगैरह आए, दैन उसके बाद जी अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं, नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है। चलें फ्रेंड्स फ़िलहाल तो करते हैं जी नाश्ता चल के, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह तो डन हो गया था, रात का टाइम हो गया, एंड इसके बाद होमवर्क वगैरह भी डन हो गया था। सो मतलब होमवर्क नहीं, पेपर है जो भी हो गया था, तो बस सही है। अब जो है रात हो चुकी है और जो है ना पता है क्या गाइस, मुझे ना इतना कुछ खास पेपर याद नहीं है इंग्लिश की तरह। और आपको एक लेट मी टेल यू स्टोरी, एक बार एक कहानी सुनाते हैं आपको। ये ग्लासेस देखें, ये मेरे आई साइड से ग्लासेस है, ये ग्लासेस मेरा घूम हो गया था दो, मतलब छोटी ईद के बाद जुलाई समथिंग में, हाँ जुलाई में, छोटी ईद भी नहीं शायद बड़ी भी हो गई है याद नहीं मुझे, शायद जुलाई में घूम हो गया था ये ग्लासेस। मैंने इसका न्यू फ्रेम एज इट इज़ वैसा ही बनवाया, अब ये मेरा न्यू फ्रेम जी बन के आ चुका है और ये न्यू वाला है और बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही कॉपी बना हुआ है। खैर है कोई नहीं, पहनना पड़ेगा। बस पापा कहते हैं कि मुझे ना मेरा ग्लासेस गुम हो गया, मुझे नया चाहिए, तो पापा ने भी क्या किया, उठा कर वही फ्रेम बनवा दिया। खैर है बस कोई नहीं, पहनना पड़ेगा हमें, बस अपनी नज़र से मतलब कि हाँ भाई साफ़ नज़र आ रहा है, इट्स इनफ फॉर मी। और मुझे क्या चाहिए, और बाकी जो है पेपर है यार, मुझे कुछ हो नहीं रहा, जितना याद हुआ सो हो गया, बाकी अब अल्लाह की मर्ज़ी। मेट्स हैं वैसे भी लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है गाइस अपनी प्रिपरेशन के लिए लेकिन इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर है बस कोई नहीं, बाकी जो है चलें। एंड इसके बाद जो है गाइस आज जो है खाने में खाने पड़ेंगे हमें नूडल्स, क्योंकि जो है मम्मा ने इनकार कर दिया है कि भाई मैं तुम लोग को कुछ नहीं बना के दूँगी खाना, ये सब खाओ अदरवाइज एज यू विश, मुझे इनमें से कुछ पसंद है नहीं पसंद मुझे, तो जी तभी हमें खाना पड़ेगा नूडल्स, मैंने बोला मुझे खाना है। तो भाई अब जी गाइस जरीन गई है नूडल्स लेने, क्योंकि माशाल्लाह से मैं नूडल्स लाई हूँ, कुछ चार में नूडल्स लाई थी सही है, और वो जरीन ने मतलब चार दिन में ख़त्म किए नूडल्स। ये भी देखे गाइस जरीन के काम है बस नूडल्स, अपने लिए लाई थी खाओ उसने लिए। खैर है कोई नहीं, बहन है छोटी तभी वो फिर से लेने गई हुई है, लेकर आए नूडल्स वगैरह भी बनाते हैं हम लोग। जो है उसकी रेसिपी मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं ना उसको ना डिफरेंट तरीके से नूडल्स बनाती हूँ, जो है वो मैं आपको साथ भी आपको आपके साथ भी शेयर करूँगी। अभी आई नहीं, पता नहीं कब से गई हुई है, आ जाएगी कोई नहीं। और जो है मम्मा ने कहा है भाई खाना है तो ये खाओ वरना जाओ निकलो, मैं तुम लोग को कुछ नहीं बना के दूँगी। तो भाई शाफिन तो बिस्मिल्लाह बढ़ के खा रहा है, बट मैं कैसे खाऊँ, मुझे नहीं पसंद, सभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो है बस गाइस तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है इस टाइम, मेरा मुँह फ्रेश लग रहा है, तो बस ये मेरा प्यारा मुँह है जो फ्रेश लग रहा है, अदरवाइज़ तो मैं एंड बस यार क्या बोलूँ अब मैं, आई एम नॉट वेल। सो खैर है कोई नहीं, बस अल्लाह बस मुझे जो है सेहत अता फरमाए, आमीन सुमामीन, एंड यू ऑल्सो प्रे फॉर मी। आ गई है शायद जरीन, तुम्हें जी गाइस आ जाए जल्दी, तो बाहर हवा इतनी ठंडी चल रही है, वाह नाइस। और जी गाइस लेट मी शो यू आवर प्लांट्स, देखे जी गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं अपने पौधे, देखे अच्छा लग रहा ना गाइस, टेल मी हवा चल रही है तो वो देखे ना पौधा लाइट सा हिल रहा है, कौन हवा चल रही है सुदर्ट्स पर, ये गेट तो ऐसे खोल के चले जाते हैं बच्चे जैसे ना कोई बाहर 10-10 गार्ड खड़े हुए हैं, कोई हाल नहीं इनका भी। खैर है कोई नहीं, गेट तो हमने क्लोज कर दिया है, एंड देन जरीन है, फिर उसके बाद नूडल्स बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। मुझे सॉस वाले नूडल्स नहीं पसंद, मैं अपने नूडल्स खुद बनाती हूँ, सॉस वाले बताऊँगी कैसे। जरीन जी आके ये नूडल्स लेके चलें जी, अपने नूडल्स रेडी करते हैं सबसे पहले हम मिक्सर। जरीन मुझे आपकी ज़रूरत है, इधर आओ, एक ज़रूरत है बेबी जी, नूडल्स बना के दूँ नहीं फिर वीडियो स्टैंड लगा यार, ये हुरान मुझे नीचे जा रहा है और मैंने कभी भी नहीं किया, मेरे चले थे पेपर, अब मुझे कभी टाइम मिला, आज मुझे मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है ये। अभी मेरे दोस्त को मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूछ कर आ रही हूँ,
तुम्हारे सब दोस्त ने तो तुम्हें धोखा दे दिया, आप किस दोस्त के पास जा रही हो? मेरी अच्छी दोस्त है, वो कभी धोखा नहीं। कौन? हाँ चलो जाओ जाओ, जा रही है अपनी दोस्त के पास, अगर इसको मारूँ मैं तो। जी चलें, बस और कुछ नहीं, अब जी हम खुद ही बना लेते हैं अपने नूडल्स और खुद ही कैमरा अरेंज कर लेते हैं गाइस। फ्रेंड्स यहाँ पे जी हमने एक बॉल ले लिया है, उसमें सॉल्ट और सॉस मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया। सो जी अब जो है हम बनाते हैं मिक्सचर जो है, यार वैसे जो है ना, यू नो आई एम प्रोफेशनल शेफ गाइस, तो यार काफ़ी सारे लोगों को जो है ना मतलब पसंद नहीं होता सॉस वाले नूडल्स, तो हम इस तरह भी सॉस ऐड कर सकते हैं इसमें, चाहे तो आप लोग रेड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे गाइस आप लोग को लाइक जो है ना, किसी किसी को सूप और नूडल्स भी पसंद होते हैं, तो उसमें आप मतलब लाइक क्वांटिटी कम हो जाती है कि भाई चलो मसाला एक है, बट आई हैव टू मसाला, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास ना वन नूडल पैक हो, तो उस तरह आप लोग जो है ना सूप और नूडल्स बनाना चाहें तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं। इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि ये बस लाइक ना थोड़ा सा थिक रह जाए। माय मदर इज़ आल्सो प्रोफेशनल शेफ और मैं भी उन पे ही गई आके, बेटी किसकी हूँ भाई, अपनी मम्मा की। आहिस्ता बेटा शोर नहीं करो, वीडियो बन रही है। तो जी यहाँ पे मेरा मसाला परफेक्ट सा रेडी हो चुका है, यार मैं ऐसे ही बनाती हूँ मसाला जब मुझे जाना, बट अभी मेरा दिल नहीं कर रहा सॉस और मतलब सूप वाले नूडल्स का, बट मैं इस तरह ही मसाला रेडी करती हूँ। देखिए गाइज इसका कलर काफ़ी अजीब सा है, बट जो है ना इसका टेस्ट अच्छा होता है। सो गाइज आवर नूडल्स आर रेडी, सो टेक अ पैन एंड जो है आई डोंट नो इट्स पैन तो फ्राई पैन, खैर एनीवेज जो भी। सो जो है इसमें हम लोग नूडल्स को मैंने छान के रख दिया है, फिर समझ सकते कम नूडल्स होते हैं, डबल पैकेट्स हैं वो भी इतने कम लग रहे हैं। खैर कोई नहीं, नाउ वी ऐड सम ऑयल इन आवर पैन। सो जो है यहाँ पे ऑयल ऐड करते हैं, अब जी मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। सो जी नाउ वी ऐड सम ऑयल इन आवर पैन, सो ऐड करते हैं जी गाइस। सो फ्रेंड्स अब जी हमने इसमें नूडल्स ऐड कर लिए ऑयल के बाद, या फिर आप अगर आप लोग ऑयल डाल रहे हैं तो पहले ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा ना डीप लेना, लाइक उसको थोड़ा पकाएं ऑयल को लाइक लाइट सा ना, ताकि हल्का सा ऑयल गर्म भी हो जाए। एंड देन उसके बाद अगर आप लोग जो है ऑयल को डायरेक्टली नूडल्स डाल रहे हैं, देन उसके बाद आप लोग ये करें कि नूडल्स को थोड़ी देर तक आप लोग ना ऑयल में कुक करें, सही है लाइक मी। सो जी देखें अब जो हम लोग इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने अपना बनाया था, यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं वो हो गए, खैर कोई नहीं, बस मतलब लाइक ना थोड़े मम्मा ने कहा है कि मसाला जी सारा नहीं डालना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, सो जी सारा मसाला हम नहीं डालेंगे, पहले टेस्ट करेंगे, अगर सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बस ज़्यादा मसाला हम लोग नहीं डालेंगे। सो फ्रेंड्स आर नूडल्स आर रेडी, नूडल्स कम चावल ज़्यादा कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा अगर आप लोग को स्पाइसी करने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, यार मुझसे ना नूडल थोड़े ज़्यादा पक गए, खैर है कोई नहीं, आप लोग इससे ज़्यादा भी स्पाइसी कर सकते हैं सॉस और सॉल्ट ज़्यादा ऐड करके, इसके सॉल्ट के इसकी जगह आप लोग और भी एक्स्ट्रा भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं लाइक ब्लैक पेपर, इट्स अप टू यू। सो ले चलते हैं और जी टेस्ट करते हैं कि कैसे बने हैं कैसे नहीं, वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, आई नो कि अच्छे ही बने होंगे। सो जी चलें फिर लेट्स ट्राई इट और जी देखते हैं फ्रेश है। चलो जी चलें लेट्स को ले चलते हैं ऐसे रूम में और बल्कि नहीं तरी बैठ कर ट्राई करते हैं कि भाई हाउज इट। चलो बैठ गए एंड नाउ वी ट्राई इट भाई कैसे बने, देखने में तो मज़ेदार ही लग रहे हैं, गरम ना हो इसमें इट्स टू डिलीशियस यार, रियली इट्स टू डिलीशियस, देखने में तो मैंने क्या लग रहे हैं लेकिन ना खाने में बहुत मज़ेदार है, जैसे मैंने केक बनाया था। इस व्लॉग को जी हम लोग कर रहे हैं यहीं पे एंड, सो शॉर्ट वीडियो थी, सो सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट यू नो गाइस, तो जो तबीयत वगैरह ख़राब थी, बस आप लोग दुआ करें कि मैं फिट हो जाऊँ ताकि मेरे पेपर्स भी इजली गुजर जाएँ, ये बस ना रहा हो कि जैसे फिजिक्स में हुआ है वैसे आगे अगले पेपर्स में भी हो। सो प्रे फॉर मी, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय कमेंट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय गाइज।